हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉल्फिन अप्लायंस चैनल में। हम आज आपके लिए लेके आए सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, शुगर केन मशीन, जूसर मशीन, स्लश मशीन और बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं, जो हम आज आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स वाइज जानकारी देंगे। कौन सी प्रोडक्ट कैसे ऑपरेट होती है, क्या प्रोडक्ट कितने की मिलती है, क्या कौन सा मॉडल लो क्वालिटी का रहता है, क्या हाई क्वालिटी का रहता है, मशीनों में क्या फंक्शन आती है, हर एक जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आप ये वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक की पूरी देखिएगा, जिससे आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे आप रिलेटेड है या अनरिलेटेड है, जो भी आपको रिलेटेड प्रोडक्ट है आप इसके अंदर से फिल्टर कर सकते हो वीडियो में से। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक की पूरी वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके ग्रुप में दोस्तों के सामने शेयर कीजिए, जिससे आपको रोज नई नई प्रोडक्ट, रोज नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेते हैं सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन से। ये हमारी सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन सिंगल फ्लेवर की मशीन है, जिसके अंदर दो हैंडल दिए गए हैं। सर्विंग के लिए दो अलग अलग आदमी एक साथ हैंडल कर सकता है और फ्लेवर कोई भी एक लगा सकते हैं इसमें आप, जैसे कि वेनिला, स्ट्रॉबेरी, कोई भी आप इसके अंदर फ्लेवर फिल कर सकते हैं। इसका फ्लेवर का फिलिंग टैंक है 10 लीटर का टैंक रहता है, 10 लीटर एक बार में आप फिल कर सकते हैं। एक फ्लेवर बनाने में आपको 4 लीटर मिल्क, 1 किलो आइसक्रीम का पाउडर लगाएंगे, पूरी फ्लेवर आपको मेक हो जाएगी, बन जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक सिस्टम इसका फंक्शन वाइज दिया गया है। पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील की मशीन बनाई हुई है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है, बहुत ही अच्छी मशीन है। इसको हम बोलते हैं बेसिक मॉडल बोलते हैं हमारा, ठीक है। इसके बाद दूसरी मॉडल आती है, बेसिक मॉडल ही है लेकिन इसमें फ्लेवर बढ़ जाएंगे, आपको दो फ्लेवर हो जाएगी, 2+1 की मशीन है। इसके अंदर से आप कोई भी दो फ्लेवर निकाल सकते हो, बीच में से मिक्स निकाल सकते हो फ्लेवर, इसलिए टोटल 3 आप डिफरेंट आइटम इसके अंदर से निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें दो टैंक दिए गए, 10-10 लीटर के दो टैंक है, एक साथ आप एक फ्लेवर का 10 लीटर, दो फ्लेवर का 20 लीटर फ्लेवर मटेरियल बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये भी बेसिक मॉडल है, 2+1 टेबल टॉप मशीन है, टेबल के ऊपर रखने वाली है। आप इसको गाड़ी में भी लग सकते हो, कोई भी लोकेशन, स्पॉट लोकेशन है या पार्टी ब्याह है, फंक्शन है, शादी है, कहीं पर भी आप इसको ले जाके अपना एक बिजनेस या बिक्री कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें तीसरी मॉडल लेके आए, जो हमारी आज की सबसे फेवरेट मॉडल है, बहुत ही चलने वाली मॉडल है और कस्टमर इसको सबसे ज्यादा पसंद है मॉडल को करते हैं। ये मॉडल का नाम है प्रीमियम प्लस 7-inch टच डिस्प्ले। मशीन का नाम है प्रीमियम प्लस मॉडल है और 7-inch टच पैड। इसके अंदर 7-inch का यहाँ पे टेबलेट दिया गया है, जिसके अंदर आपको हर एक फंक्शन, हर एक जानकारी मिलती रहती है। जैसे कि मशीन को आपको कैसे वॉश करना है, मटेरियल कैसे बनाना है, मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे सॉल्यूशन लेना है, खुद मशीन आपको खुद ब खुद हर एक जानकारी देगी। जैसे मशीन में कोई फॉल्ट आ गई, ऑटोमेटिक मशीन स्टॉप हो जाएगी, इसमें अलर्ट आ जाएगा, कोई भी अलर्ट दिखाएगा, अलर्ट के सामने आपको बताएगा कि ये चीज़ करने से आपकी मशीन वापस स्टार्ट हो जाएगी, वो चीज़ आप कर लेंगे वापस स्टार्ट हो जाएगी। अगर कुछ समझ नहीं आता तो हमको वीडियो कॉलिंग करिए, फोन पे डिटेल्स दे, हम आपको और एक जानकारी देंगे। और ये मशीन हम स्पेशली आज हमारे कस्टमर आए थे, मथुरा से आए हुए थे, उनके लिए हमने मशीन मटेरियल डाल के इसमें टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। तो हम इसमें से आपको थोड़ा आइसक्रीम निकाल के सर्विंग करके भी बताएंगे। और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है, इसके अंदर दो कंप्रेसर लगे हुए हैं। जैसे बेसिक मॉडल में एक कंप्रेसर है, इसके अंदर दो कंप्रेसर है। बेसिक मॉडल में नॉर्मल एयर पंप लगा रहता है, न्यू मॉडल में, डिजिटल मॉडल में, डिजिटल एयर पंप लगा रहता है। एक पैकेट आइसक्रीम के अंदर 4 किलो मिल्क, 1 किलो आइसक्रीम का पैकेट, उसके अंदर से आप 110 से 115 कप निकलेंगे। ये मशीन के अंदर आपको 125 से 130 कप निकलेंगे, 10 से 15 कौन ज़्यादा निकलेगा, 20% एक्स्ट्रा माल निकलेगा इसके अंदर से। और मटेरियल एकदम स्मूथ और क्रीमी निकलेगा, मैक्सिमम एयर फिल करके स्मूथ और क्रीमी निकलेगा। आप इसको कंटिन्यू 1 घंटे के अंदर 200 कोनिया कप निकाल सकते हो, ये मशीन में 1 घंटे में आप 80 से 100 कप निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें आपको टेकमसा कंपनी का कूलिंग प्लांट लगा रहता है, जो 1.25 HP का कंप्रेसर है, दूसरा कंप्रेसर है 0.25 HP का है, ठीक है। हम आपको इसमें से थोड़ा कोन निकाल के सर करके बताएंगे, उसका क्वालिटी दिखाएंगे, डिजाइन बताएंगे, हर एक फंक्शन इसका बताएंगे। और यहाँ पे हमने भी तीनों अलग अलग डिजाइन रखा है, आप सब इसके अंदर टोटल 7 डिजाइन आता है, हम आपको 7 डिजाइन मशीन के साथ फ्री में देंगे, ठीक है। हम आपको इसमें तीन कोन निकाल के तीनों कोनों का डिजाइन आपको बताएंगे कि किस टाइप का डिजाइन रहता है इसका, ठीक है। हम आपको कोन निकाल के बताएंगे, सर्विंग करके दिखाएंगे इसमें आपको। ये देखिए आप, ये हार्ट शेप में इसका शेप डाला है, हार्ट शेप का डाला है और पूरा एकदम स्मूथ और क्रीमी। यहां से देखिए पूरा टर्न लिया इसने,
अगर आइसक्रीम हार्ड रहता है, वाटर बेस्ड रहता है, तो स्ट्रेट रहता है, पूरा टर्न लिया है, सॉफ्ट हो चुका है पूरा, और पूरा क्रीमी और टेस्टी आइसक्रीम है इसका, आप देख सकते हो पूरा। अभी हम आपको इसमें से दूसरा डिजाइन निकाल के बताएंगे इसमें से। आप देख सकते हो इसका डिजाइन, ये डिजाइन भी डिफरेंट डिजाइन है, दूसरा डिजाइन है, हमने भी दूसरा डिजाइन रखा हुआ है, डिफरेंट डिजाइन है, आप देख सकते हो पूरा डिजाइन, एकदम स्मूथ आइसक्रीम निकलता है, आप देख सकते हो पूरा। अभी इसमें हम तीसरा डिजाइन भी आपको निकाल के बताएंगे। ये तीसरा रेगुलर डिजाइन है, जो मार्केट में रेगुलर चलता है डिजाइन है, आप देख सकते हो, और एकदम पूरा स्मूथ और क्रीमी, आप देख सकते हो पूरा क्वालिटी इसका, देखिए आप, आपके वहां कोई कस्टमर आएगा खाने, खड़े खड़े दो तीन कप या कौन खा जाएगा, इतना टेस्टी और नेचुरल आइसक्रीम है। रखिए, और हम थोड़ा आपको इसके फंक्शन के बारे में जानकारी देते हैं, क्या फंक्शन है, क्या चीज है, हम आपको बताते हैं इसका बारे में। सबसे पहले तो इसमें जो हैंडल रहते हैं वो ऑटो रिमूवेबल है, आपने आइसक्रीम निकाला और छोड़ देना है, आपको रिटर्न हैंडल करना नहीं है, जैसे कि ये मशीन में आपने खींचा तो ऐसे ही रहेगा, आपको अपने हाथ से वापस इसको रिटर्न करना है, वही हिसाब से इसको एक बार आप निकालेंगे फिर छोड़ देना है, ऑटो स्प्रिंगिंग करके रिटर्न चला जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर में इसमें लो मटेरियल अलर्ट, जैसे कि आपके मशीन में 10-15 कौन जितना मटेरियल बाकी है, तो मशीन आपको खुद अलर्ट देगी कि आपके मशीन में मटेरियल खत्म हुआ है, आप उसको रिफिल कीजिए, अगर मटेरियल खत्म हो गया, आपने कुछ देखा नहीं है उसमें और मटेरियल खत्म हो गया, ऑटोमेटिक मशीन स्टॉप हो जाएगी, काम नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी, और आपको बीप का आयरन देगी, सायरन बजेगा, उसमें बीप बीप करके सायरन आएगा, तो आपको मालूम होगा कि मशीन में मटेरियल खत्म हो गया है, और डिस्प्ले भी आपको शो करेगा कि मटेरियल खत्म हो चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा आपको फंक्शन बता दें, डिस्प्ले में क्या क्या फंक्शन है, जरा पास से आपको दिखाएंगे इसमें डिस्प्ले में क्या कैसे इसको ऑपरेट करना है, क्या क्या फंक्शन है इसमें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा रहा है अभी 81% आइसक्रीम रेडी है इसके अंदर, यहाँ तक जो आइसक्रीम का आधा कोन बनाया हुआ है, अभी पूरा आइसक्रीम बनेगा तब 100% रेडी हो जाएगा। ये आपको होपर का टेम्परेचर बताएगा, 19 सेल्सियस है, -19 सेल्सियस टेम्परेचर, जहाँ पे बीच में रोलर में आइसक्रीम बनता है उसका टेम्परेचर है, ये 11 है, +11 टेम्परेचर, जहाँ पे हमने मटेरियल फिल किया है ऊपर, यहाँ पे टैंक रहता है, ये टैंक रहता है, यहाँ पे हमने मटेरियल फिल किया उसका 11 या 12 का टेम्परेचर है। 7 गियर 7 की हार्डनेस पे हमने सेट किया है इसको, अगर आपको और ज़्यादा हार्ड करना है तो आपको 7 का 10 11 12 कर सकते हैं, अगर आपको हार्डनेस सॉफ्ट चाहिए और सॉफ्ट और क्रीमी चाहिए तो आप इसको डाउन कर सकते हैं, 7 की जगह 5 4 3 कर सकते हैं इसको। थोड़ा हम आपको इसके इनसाइड में जाके एक इसको आप टच करेंगे ना, तो इसको आपको बताएगा क्या क्या फंक्शन है इसमें, क्या सिस्टम है, आउटलेट कौन कितना निकला है, -30 प्रोटेक्शन है इसका, हर एक फंक्शन इसमें दिखाएगा इसको, एक बार आपको उसमें पोस्ट करेंगे, कितना वोल्टेज है, कितना आरपीएम ले रहा है, कितना पावर ऊपर से आ रहा है, सब डिटेल इसके अंदर डिस्प्ले शो करेगा, यहाँ पे टाइम और तारीख भी शो करेगा, कितना टाइम है, क्या टाइमिंग है, ठीक है। इसको आप पोस्ट करेंगे, मशीन चले जाएगा पूरा स्टैंड बाय मोड पे आपको, और इसमें मशीन के अंदर हम आपको मशीन के साथ में इसका एक बॉक्स साथ में आएगा आपको मशीन में, या आप बॉक्स देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर इसका ओरिंग है, वाइसर है, ग्रीसिंग है, हर एक चीज इसके अंदर है, आप देखिए पूरा, ये उसका ओरिंग वाइसर का किट है इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेयर में, कल सुबह कोई ऐसे तो वैसे फॉल्ट नहीं आता है, प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें, फिर भी आपको अगर बाई चांस कोई 6-8 महीने साल में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ये वाइसर चेंज करके लीकेजेस बंद कर सकते हो। ये ग्रीसिंग का वो एक बॉय है, पैक है, जिससे आपको अगर ये कोई भी चीज़ में ग्रीसिंग करना है तो आप इसको कर सकते हो। ये डिजाइन है, हमने जो आपको डिजाइन निकाल के बताया, ये 7 टाइप की अलग अलग डिजाइन है, ये हम मशीन के साथ में आपको फ्री में आ जाएगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे मशीन का मैनुअल बुक है, ये मैनुअल किट है मशीन का, जिसके अंदर मशीन में कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा है, कौन सा वायर कहाँ पे लगा है, कौन सा प्लग कहाँ पे लगा है, हर एक चीज़ बुक के अंदर शो करेगी आपको, इसलिए आपको फ्यूचर में भी इसको कोई मेंटेनेंस भी कराना है तो आप ये बुक से हिसाब से मेंटेनेंस करा सकते हो मशीन का, ठीक है। और मशीन के साथ सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के साथ हम 10 किलो आइसक्रीम का पाउडर, जो बेस्ट क्वालिटी का इंडिया का फर्स्ट नंबर का टॉप ब्रांड का जो आइसक्रीम का पाउडर है वो 10 किलो आइसक्रीम का पाउडर देते हैं, 1 किलो का 1 पैकेट आएगी, ऐसे 10 अलग अलग पैकेट देंगे,
आप जो भी फ्लेवर बोलेंगे, चॉकलेट है, वेनिला है, स्ट्रॉबेरी है, कोई भी फ्लेवर बोलेंगे हम आपको देंगे साथ में। मशीन के साथ हम आपको स्टेबिलाइजर एक फ्री में देंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजर, 2 किलोवाट का स्टेबिलाइजर मशीन के साथ में फ्री में मिलेगा आपको, ठीक है। फ्लेवर मिक्सचर मशीन, मशीन के साथ आपको फ्लेवर मिक्स करने का मशीन, वो हम कंपनी की तरफ से फ्री में देंगे। वुडन बॉक्स पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन, पूरे इंडिया में कोई भी लोकेशन पे ट्रांसपोर्टिंग है आपका, हम आपको फ्री में ट्रांसपोर्टेशन करा देंगे कोई भी लोकेशन है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है। तो अभी हम आपको इसके बाद आपको बताएंगे, प्रीमियम प्लस मॉडल है, 5 इंच की डिस्प्ले, 5 इंच, इसमें 7 इंच डिस्प्ले, उसकी जगह उसमें 5 इंच की डिस्प्ले, खाली उसमें डिस्प्ले का फर्क है, बाकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। कंप्रेसर सेम टू सेम है, डिजिटल एयरपम्प सेम टू सेम है, हर एक चीज सेम है, खाली इसमें आपको डिस्प्ले का फर्क है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे ये शुगर केन मशीन है, इलेक्ट्रिक मॉडल है, शुगर केन मशीन है, 1 टाइम क्रशिंग मशीन है। एक बार आप उसमें शुगर केन डालेंगे, एक बार में 90% क्रश हो जाएगा, 90% जूस निकल जाएगा और पूरा वेस्टेज पीछे से निकल जाएगा। यहाँ से पूरा गाल के आप इसको नल खोल के पूरा गाल के निकल जाएगा, यहाँ पे नीचे ग्लास रखना है, गाल के सीधा कस्टमर को हैंड ओवर कर देना है आपको, ठीक है। ये मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है, लेकिन इसका थोड़ा फंक्शन अलग है, ये पूरी साइलेंट मॉडल है, लो वॉइस है, आपको पता नहीं चलेगा मशीन चालू या बंद है। इसमें थोड़ा वॉइस आएगा क्योंकि इसके अंदर डबल गियर बॉक्स लगाए हुए, इसमें थोड़ा नॉइस आएगा, इसमें ये पूरी साइलेंट मॉडल है। दोनों मशीन 3-0 रोल है, 3 रोल की मशीन है, ठीक है। और यहाँ पे इसका सेटिंग बोल दिया गया है, अगर शुगर कैन की साइज थिक और लाइट जैसे अलग अलग साइज रहती है, वो हिसाब से आप इसको कंट्रोलेशन कर सकते हो यहाँ। ये भी मशीन है, शुगर कैन मशीन है, इलेक्ट्रिक मॉडल है, ठीक है। इसके बाद आती है अपनी ये जूस मशीन है, जूसर है, जिसके अंदर आप कूल कोई भी जूस लगा सकते हैं, मैंगो, पाइनएप्पल, लीची, मिल्क शेक है, दूध की आइटम है, कोई भी लगा के पूरा चील्ड करके ठंडा करके इसमें से निकाल सकते हो। अभी हमने इसमें गुलाब और पाइनएप्पल का जूस लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा फाउंटेन हो रहा है, घूम रहा है पूरा जूस इसके अंदर से, राउटिंग हो रहा है। यहाँ पे 2 स्विच दिया गया है, कंप्रेसर का, एक फाउंटेन का, अगर फाउंटेन बंद करना है तो बंद कर सकते हो, स्टार्ट रखना है तो स्टार्ट रखिए। नीचे यहाँ पे कंप्रेसर है, कंप्रेसर स्टार्ट रखना है तो रख सकते हो, बंद रखना है तो बंद रख सकते हो। पूरी स्टेनलेस स्टील की मशीन, कंप्रेसर सिस्टम के साथ में मशीन है, ठीक है। तीसरी मशीन है यहाँ पे हमारी, ये स्लस मशीन है, जो आइस गोला बोलते हैं, जो गोला आपने बनाते हैं उस टाइप की स्नो मशीन है। इसके अंदर से आप कोई भी फ्लेवर है, मिल्क वाली आइटम है, वाटर वाली बेस ऊपर आइटम है, कोई भी इसके अंदर फिल करके आइस स्लस निकाल सकते हो उसके अंदर से, जो भी आपको थिक साइज का चाहिए। इसके अंदर सेटिंग डिस्प्ले दिया गया है यहाँ पे, जिससे आप उसको आइसक्रीम स्मूथ रखना है, हार्ड रखना है, कौन सा फ्लो का रखना है, वो यहाँ पे हर एक चीज सेटिंग कर सकते हो। और ये मशीन है हमारी शुगर केन मशीन है, जो आज की सबसे पॉपुलर मशीन है, जो आपको इलेक्ट्रिक से भी चलती है, बैटरी से भी चलती है, दोनों वर्क से ये मशीन चलती है, ठीक है। हम मशीन को आपको कोई भी कस्टमर को देंगे, बैटरी इंस्टॉल करके देंगे, आपको अलग से बैटरी लगाने का जरूरत नहीं है। एक बार बैटरी चार्जिंग करने के बाद इसको आप 8 से 10 घंटे तक बिजनेस कर सकते हो। ये मशीन अभी डिलीवरी के लिए जा रही है, इसलिए हमने पूरी मशीन में बैटरी इंस्टॉल करके इसको ऑपरेट करके आपके सामने, वीडियो के सामने भी इसको शो किया है, शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका फंक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हमने ऑन स्विच का स्टार्ट किया, ऑन किया, जहाँ पे यहाँ पे दिखाई दिया बैटरी कितना फिल है, इसका LCD लाइट चालू हो गया, अभी पूरा का पूरा बैटरी फिल किया गया, इसके अंदर पूरा भरा हुआ बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे इसको रिवर्स फॉरवर्ड, अगर आपको इनसाइड में जाना है तो ऊपर का बटन दबाइए, डाउन में जाना है वापस रिवर्स करना है तो नीचे का बटन दबाइए, दोनों स्विच दिया गया है। अभी हम इसको आपको स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट हो चुकी है मशीन, देखिए आप यहाँ पे इसका रोलर चलेगा, आपको थोड़ा वीडियो में हम फोकस करके बताएंगे इसमें, आप देखिए पूरा, देखिए इसका रोलर स्टार्ट है अभी, आप देख सकते हो पूरा, ये देखिए, ये भी फ्रंट साइड है, अभी आपको इसको रिवर्स में चलाना है तो इसको रिवर्स में भी चला सकते हो। अभी देखो ये उल्टी साइड हम चलाएंगे रिवर्स में, इसको रिवर्स साइड पे चला, ये फ्रंट पाइप से चलेगा, बस। तो दोस्तों ये भी बहुत ही बेहतरीन मशीन है, बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है। इसमें भी आपको झूस सीधा आके गाल के गन्नी में झाल के पूरा निकलेगा, आपको सीधा ये नल ओपन करके झूस निकाल के कस्टमर को सर्व कर देना है, ठीक है। ये पूरा इसका गन्नी आप देख सकते हो, यहाँ पे झाली पूरा, इसका पूरा फोल्डिंग चीज है, ये पूरा झाली दिया गया इसमें, और पूरी स्टेनलेस स्टील की मशीन है। इसमें कोई ना तो जंग पकड़ेगा, ना भी कोई वेस्टेज होगा, ना भी कोई डैमेज होगा इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की, आप पूरा स्टील का क्वालिटी देखिए इसका, पूरा आप देख सकते हो, पूरा बॉडी देखिए, पूरा मशीन देखिए आप हर एक चीज। इसके बाद हमारी ये टेबल टॉप मशीन है, आप देख सकते हो पूरा, ये टेबल टॉप, ये फ्लोर मॉडल मशीन है हमारी, प्रीमियम प्लस मॉडल फ्लोर मॉडल है, जो हाइट वाली है, शॉप में दुकान में रखने वाली मशीन है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो 2+1 की मशीन है, 2 फ्लेवर आएगा, बीच में मिक्स आएंगे आप, फंक्शन हर एक इसके अंदर, डिजिटल ऑपरेट, इम्पोर्टेड कंप्रेसर, हर एक चीज स्टैंडर्ड क्वालिटी की लगाई गई है इसमें।
तो दोस्तों हमने आपको आज जानकारी जो दी है वो हर एक चीज हर एक मशीन की जानकारी इसके अंदर दी है आपको, और हम आपको इसका थोड़ा कॉस्टिंग का भी डिटेल बता देते हैं। आइसक्रीम मशीन सॉफ्टिम आइसक्रीम मशीन में, ये मशीन में अगर आप एक कप निकालेंगे जो आइसक्रीम का एक क्यूब रहता है, वो एक क्यूब निकालेंगे आपको बनाने का खर्चा 4.5 से 5 रुपए का गिरेगा, जिसके अंदर फ्लेवर आ गया, मिल्क आ गया, डिस्पोजल कोन आ गया, जो कोन या कप आप भरेंगे जो भी वो आ गया उसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पावर आ गया, 4.5 से 5 रुपया मैक्सिमम आप इसको 15 रुपए में सेल करो, एक कप को सेलिंग 15 रुपए करो, 15 में भी नहीं होता उससे डाउन में भी फास्ट सेलिंग चाहिए, 10 में भी करो 50% का मुनाफा इसके अंदर, 5 का पड़ेगा 10 में सेल होगा। ये मशीन में बनाने का खर्चा 6 से 6.5 रुपया गिरेगा, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल एयरपम्प नहीं लगाए, नॉर्मल एयरपम्प लगाए, जिसके हिसाब से क्वांटिटी कम निकलेगा तो आपको कॉस्टिंग थोड़ा हाई ज्यादा पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको रोज नई नई प्रोडक्ट नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आपको अगर ज़्यादा जानकारी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हमारी डायरेक्ट कंपनी के नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी कंपनी का नंबर यहाँ पे लिखा गया है 7575050675, दूसरा नंबर है 9601298282, हम आपको नंबर नोट करा देते हैं फिर से 9601298282 7575050675, ये नंबर पे आप कॉल करके मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक कोई भी टाइम पे आप इसको कॉल करके हमसे हर एक जानकारी डिटेल ले सकते हैं। हम आगे जाके नई प्रोडक्ट और भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें लाइव ऑरेंज जूस मशीन रहता है, पॉपकॉर्न मशीन रहता है, कॉफी टी कॉफी मशीन रहता है, बहुत सारी प्रोडक्ट हम आगे जाके लॉन्च करेंगे, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपको ये नोटिफिकेशन और डिटेल मिलती रहेंगी हर एक चीज़ की, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।